आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। डिब्रूगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों के युवाओं में छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य को समक्ष रखते हुए लोहवाल अंचल के टिकना गांव में डिब्रूगढ़ जिला क्रीड़ा संस्था के तत्वावधान और टिकना फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र की सहयोगिता से स्व चंपा लाल जैन और मन भावती जैन तथा स्व गोलोक चंद्र बरुआ और जीवेश्वरी बरुआ स्मृति ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 9 लड़कियों की टीम और 17 लड़कों की टीम ने भाग लिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में असम फुटबॉल संस्था के उपाध्यक्ष दाऊ बसोइया बोड़ो शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग और आयोजन में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। डिब्रूगढ़ जिला क्रिया संस्थार अंडर 17 गार्ल्स एंड बॉयजर फुटबॉल टूर्नामेंट नतुन फॉर्मेट यात आमार दुटा ट्रॉफी स्पन्सर करिसे जी स्वाली अंडर 17 एटु स्पन्सर करिसे डॉक्टर रंजित बरुआ एक्स प्लेयारो है आरो डिब्रूगढ़ जिला क्रिया संस्थार एक्स वॉकिंग प्रेसिडेंट आरो सेकेंड जी करिसे आपनार बॉयजर जी अंडर 17 जी स्पन्सर करिसे एटु करिसे ज्ञानवेद एनजीओ करिसे गाँव अंचलर खेलुवैक विशेषको स्वाली बिलाकक आमी लै आहिबो लागे आगलै আমি সদায় কৈ থাকোঁ সমঅধিকাৰ দিব লাগে ছোৱালীবিলাকক কিন্তু মহিলাসকলক কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইখিনি এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই খেলৰ মাজেৰে সংস্কৃতিৰ মাজেৰে শিক্ষাৰ মাজেৰে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব তাৰ বাবে আমি এই ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত প্ৰাঞ্জলতে তেওঁলোকে অনুষ্ঠান কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলো তেওঁলোকে দেহেকে লাগিছে ইয়াত মই ভাবোঁ এইটো এটা শুভ লক্ষণ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু টুৰ্ণামেণ্ট হওক গাঁৱৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ চুবুৰীয়ে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব যে আমি কিছু ভাল খেলুৱৈ যিসকল আছে তেওঁলোকক আমি উলিয়াই অনাটো পোনপ্ৰথমে মই ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে 17 বছৰ অনূৰ্ধ মহিলা আৰু পুৰুষ ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে যি টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিছে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ যোগে বিশেষকৈ মহিলা ফুটবল যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰত ফুটবল খেলৰ যদি কথা চোৱা যায় মহিলা ফুটবলৰ কথা যদি চোৱা যায় অসমত এতিয়াও মহিলা ফুটবলে বিশেষ প্ৰসাৰ এটা গুৰুত্ব এটা এতিয়াও লাভ কৰা নাই ডিব্ৰুগড় জিলাত বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু মহিলা ফুটবল খেলুৱৈ আছে প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈসকল আছে এইসকলক উলিয়াই অনাৰ এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই মেৰে পিতাজী শ্ৰী চম্পালালজী পাটোদী শ্ৰী জৈন বহু হমেশা সেই গাঁৱমে ৰহতে থে शीशी बड़गांव में रहते थे और कम से कम 4 साल की उम्र में वो 38 साल की उम्र में शीशी बड़गांव आए थे और उन्होंने पूरा आधा जीवन वहीं बिता दिया और वो हर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे और सबकी सहायता करते थे और उनकी इच्छा थी शुरू से ही कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो ग्रामीण के जो बच्चे हैं उनका विकास हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।